हैं। चूहा अपने बिल से बाहर घूम रहा होता है और वो देखता है कि शेर आराम कर रहा है गुफा में। उसे एक सुझाव सूझता है। वो कहता है, क्यों ना मैं चूहे शेर को परेशान करूं, मुझे बहुत मजा आएगा। और वो शेर को परेशान करके चला जाता है। भाई छोड़ दो मुझे, मुझे परेशान करते हो तुम। आइंदा से नहीं करूंगा, इस बार मुझे छोड़ दो। अगर आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें मेरी सहायता चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम इतने छोटे बिल्ली, तुम मेरी सहायता करोगे? दया कर दो प्लीज, छोड़ दो इस बार। और शेर को चूहे पर दया आ जाती है और वो चूहे को छोड़ देता है। चलो आज तो मुझे तुम पे दया आ गई, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार से दिखे तो तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही दूसरे दिन शेर जंगल में खाने की तलाश में जा रहा था और अचानक से वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। अरे अरे ये क्या है, कोई बचा मुझे। और वहां से चूहा गुजर रहा होता है, वो जैसे ही शेर को देखता है वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। तो वही शेर भाई है, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। चूहा जाल को अपने नुकीले दांतों से कुतर देता है। शेर चूहे की तरफ दया भाव से देखता है। धन्यवाद चूहे भाई, मुझे अफसोस है मैंने उस दिन तुम्हारी बेइज्जती की, मैंने तुम्हें छोटा बोला। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो गया है कि कभी भी किसी का साइज देख कर मैं उस हर उसके बाद शेर और चूहे की दोस्ती हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति व्यक्ति के छोटे आकार को देखते हुए कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए, वो कभी भी आपकी सहायता कर सकता है। धन्यवाद।